बंगार कुटुंबम कर लिया, और बंगार तेलंगाना बाहर में गया लेकिन उन्होंने बंगार कुटुंबम कर लिया। अब जो है उनके MLA सर, उनके ताबेदार जितने भी है, उनके चेले चमचे जितने भी है, पूरे गरीब लोगों के पास जो जमीन है वो छीनने का शुरू कर दिया। तो उसका उदाहरण आज हमारा गुरमपुर मटमपल्ली मंडल में है, वो चीज देखने के लिए, बताने के लिए और वहाँ के आदिवासी भाइयों को भरोसा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस निनाद से इंस्पायर होकर हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष जो पंडित संजय जी ने हम लोगों को वहाँ पर भेजा, हमने जाके स्टडी किया और करने के बाद वहाँ तो बहुत गलत हो रहा है। वहीं नहीं, अब जो नागार्जुन सागर जो एरिया है वहाँ पर भी 3,000 एकड़ पे वहाँ भी ये चल रहा है, धोखा चल रहा है, जमीन छीन रहे हैं। उसी तरह पोड़ू भूमलु पोड़ू जमीन जो है जिसको पट्टा देना है, जो FRA चट्टम जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उसके तहत पट्टा देना चाहिए, लेकिन ये बट्टेबाज हमारे चीफ मिनिस्टर और इनकी सरकार हमारे गरीब लोगों के पट्टा छीन लिए। आज आदिवासी लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करा दिया, BC लोगों में आपस में झगड़ा करा दिया, आज गरीब लोग जीने का जो है बहुत ही जो है इन्होंने दिक्कत में डालकर गरीबों को, आज इन्होंने जो इनका राज यहाँ जो चला रहा है, इनका गवर्नमेंट जो चल रही है, ये गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के लिए और बर्खास्त कराने के लिए मैं यहाँ से मैं गवर्नर को, हमारे स्टेट के गवर्नर को, जिनको पावर्स है, जहां पर कोई राज्य सरकार गरीबों को दलित को आदिवासी को वहां अन्याय होता है जिसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते वहां गवर्नर जो है इंटरफियर हो सकते हैं। तो मैं आज हमारे गवर्नर महोदय को रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके तरफ से कि इमीडिएटली फौरन वहां के जिला कलेक्टर जिला के SP और उनके ऊपर जो उन्होंने एक्शन लेना, अदरवाइज ये सिचुएशन ऐसा हो गया है आज जो 40 लोगों को 60 दिन बेवजह जेल में ठूस दिया, जमीन उनकी है हक उनका है उन्हीं को जेल में ठूस दिया। इन लोगों पर एक्शन लेना और अगर हो सके तो इस राष्ट्र में प्रेजेंट रूल भी लागू करने के लिए जो है गवर्नर रिकमेंड करना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आदिवासी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है देखिए कितना उन्होंने ये बोरवेल गरीबों के बड़ी मुश्किल से जो उन्होंने बोरवेल लगाया लाखों रुपए खर्चा करके, आज ये लोगों की क्या हालत, लोगों को मार मार के कैसे मार मार के क्या कैसा भगा रहे, हाथ तोड़ दिए पैर तोड़ दिए उनके जमीना छीन ले। और वो कौन है, आंध्रा का रविंद्रनाथ रेड्डी जो हमारे मुख्यमंत्री KCR के प्रिय मित्र जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार को वहां का जो सैदी रेड्डी है, सैदी रेड्डी का चरित्र भी सबको मालूम है, वहां लोकल में आप लोग कई बार आपके माध्यम से पता हुआ है। तो मैं इस संदर्भ में अगर गवर्नर महोदया और उसी तरह से हम राष्ट्रपति के पास भी इस चीज को आफ्टर 7 तारीख के बाद, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं हमारे तेलंगाना राज्य के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी दलित भाई है, पिछड़े हुए हैं, आदिवासी है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे संजय जी जो आवाज दे रहे हैं वो गरीबों की आवाज है। संजय जी जो एक नेक इंसान है, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी एक नेक इंसान हिंदुस्तान को रामराज्य स्थापन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी के उनके नेतृत्व में यहाँ के संजय जी आज कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उनको हम सब उनके साथ है। मैं इतना कहते हुए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और सभी को वहां पहुंचने के लिए 7 तारीख 1 बजे हुजूर नगर चलो मटमपल्ली चलो गुरमपुर मैं ये आपका अपील कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत अन्याय हो रहा है, आंध्रा वाले पूरा खा जा रहे अपने को पूरा ये कर रहे बोल के बहुत बात बोला था इधर की KCR साहब ने, तो KCR के लिए मुख्यमंत्री होता बोल के नहीं कि अपना तेलंगाना आप उगवाया को अपना जमीन अपने को अपना जॉब्स अपने को हर चीज अपने अपने को आएगा, अपने बच्चों को जॉब मिलेगा, अपने जमीन अपने को अपना पानी अपने आप आएगा उनके सोच के किए थे। बट तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना खाली आने के बाद पूरा किसको गया बोल तो KCR के घर को गया, KCR साहब को मुख्यमंत्री हो गया। KCR साहब पहले बोला नहीं मुख्यमंत्री मैं होता हूँ बोल के दलित को करता हूँ बोला, दलित को 3 एकड़ जमीन देता हूँ बोला, घर देता हूँ बोला, डबल बेडरूम बोला ना, डबल बेडरूम घर देता हूँ बोला।
कितने कितने बात किया, कितने झूठे बात किया था, है ही झूठा है पर माने ने पब्लिक शायद खरेगा होगा बोल के सोचे थे, पर आज दलित को मुख्यमंत्री ने किया, आज दलित को 3 एकड़ जमीन नहीं दिया, आज गिरिजन दलित को दोनों को गरीब लोगों को पूरे तेलंगाना गरीब लोगों को घर देते हम घर नहीं दिया, उल्टा जहां जमीन है खींचना शुरू कर दिया, उसके एमएलए लोग उसके मंत्रियां केसीआर साहब लोग हैदराबाद आजू बाजू किया तो केटीआर करता, केटीआर की फैमिली केसीआर की फैमिली करती, डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू एमएलए मंत्रियां कर रहे, वैसा ही हुजूरनगर कांसेंसी सूर्यापेट जिला में एक जगह नागर डैम जब बनाने के टाइम पे गरीब लोग थोड़े बहुत जमीन चले जाता ना, वो लोग को दूसरा जगह जमीन दिया, वो कहाँ दिया बोलते गुरमगोड गांव बोल के दिया एक जगह, उधर लगभग 6,200 एकड़ दिया था, उसमें गिरिजन पब्लिक को 1870 एकड़ उधर वो लोग अलॉट किए थे, वो क्या था 1 of 70 बोलते हैं, जब 1 of 70 का मीनिंग सिंपल, ये पूरा गिरिजन लोग ही करना है, SC ST लोगों को ही है, दूसरे को कोई को बेच भी नहीं सकते ले भी नहीं सकते, कोई भी लिया तो उधर के गिरिजन लोग ही लेना है, वैसा छोड़ दे के उधर के अभी थोड़ा लाना रेट बढ़ा दिए ना, उधर पूरे फैक्ट्रियां बन रहे ना, तो उधर के उत्तम कुमार रेड्डी साहब 3 बार MLA हुआ, PCC भी है MP भी हुआ, उधर के बड़े व्यापार लोग अभी दौरा बोलते ना।